अब राजस्थान के जोधपुर से हज के मुकद्दस सफर के लिए हज यात्रियों का हज हाउस पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हाजियों के पहले जत्थे के 485 हज यात्री हज हाउस पहुंचे, जहां उनको टीकाकरण व हज जाने वाले यात्रियों को सुविधा के लिए नियम व कायदे की जानकारी दी गई। हाजियों को पहली फ्लाइट जयपुर से जाएगी। ज़्यादातर हज यात्री जोधपुर में पिपाड़ शहर के हैं, वह आमद दर्जा कराकर घर लौट आए। हज कमेटी की ओर से उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो एक दिन पहले आकर अपने पासपोर्ट और टिकट हासिल कर लें। 2 अगस्त से पहली फ्लाइट रहेगी। इसके लिए हज यात्रियों को हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए सुबह 6:30 पर ले जाया जाएगा। स्पाइट जेट की फ्लाइट से हज यात्री जयपुर के हवाई अड्डे से जद्दा के लिए रवाना होंगे। हज यात्रियों को 2 दिनों तक हज से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें सबसे अहम आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग रहेगी। पहले भी कई बार हज के दौरान हादसे हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में हज यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके चलते हज कमेटी ने यात्रियों को आपदा की स्थिति में सुरक्षा से जाने वाले विशेषकर दोस्त के लिए हज ट्रेनिंग प्रोग्राम मारवा हज सोसाइटी द्वारा और इसमें सहयोग कर रहे हैं राजस्थान स्टेट कमेटी और चिकित्सा विभाग। इस बार जो हाजी हज पर जा रहे हैं जोधपुर जिले के, ऐसे तो हमने पड़ोसी कैंप लगाए और दूसरा हमने पिपा सिटी कैंप लगाए। अब बाकी बच्चे जोधपुर के हाजी इस हजों के आज आए हैं, इनके टीकाकरण हो रहा है और इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वहाँ के बारे में हज के बारे में उनको पूरी ट्रेन के अंदर इसके बारे के अंदर जैसे उनको आराम बांधना, जैसे उनको ना क्या है हज के 5 दिन कैसे करना है, कैसे गुजारना है, इसके बारे में बताना। दूसरा इसके बाद में वहाँ की जो कानून कायदा है उसके बारे में मोटे अंदाज बताते थे कि भाई कोई चीज़ गिरदा उठाना नहीं, चोरी पर ध्यान दें, चोरी नहीं करें, वरना वह बड़ी सख्त कानून है, उसके ऊपर हम अमल करना पड़ेगा और रोज सजा मिलेगी तो हमको करनी पड़ेगी। तो मेहरबानी करके हम इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जोधपुर के अंदर करीब पिछले 25 साल से करते आ रहे हैं। ये हम इस बात का गर्व है कि हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया इसको मानते हुए ऑल इंडिया हज कमेटी ने भी इसको पूरी जगह व्यवस्था करी है और हर जगह कैंप हो रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? जोधपुर से 485 लोग जा रहे हैं और उनके कुछ लोगों के फलोदम टीके लगे और कुछ प्रिफर लगे, बाकी जोधपुर टीके लगाए जा रहे हैं। अब इनकी फ्लाइट 2 अगस्त से 16 अगस्त तक जयपुर से होगी, उनके तारीख अब आएगी कि किस हाजी को किस तारीख जयपुर पहुँचना, उस फ्लाइट कब है, उस फ्लाइट में उसको जाना है।